the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से था कि आपको आउट ऑफ इंडिया भी जॉब मिल सकती थी और काफ़ी अच्छे पैकेज पे भी मिल सकती थी, तो फिर भी आपने मतलब सिविल सर्विसेज का क्यों चुना और इस प्रिपरेशन के टाइम पे आपका एस्पिरेंट से आईपीएस बनने तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मेरा बीटेक एमटेक हुआ है डुअल डिग्री आईआईटी बीएचयू से, और मैंने जेआरई का एग्ज़ाम भी दिया था पीएचडी के लिए, और उसमें मेरा एडमिशन भी हुआ था फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जब मैंने जॉब प्रोफाइल देखा था, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप भी की थी, तो मुझे ये समझ में आया था कि वहाँ का जो जॉब प्रोफाइल है, जो पीएचडी के बाद जॉब लग सकते हैं, उसमें इंडिया में वापस आना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। मेरी ऐसी इच्छा थी कि अगर मैं बाहर जाऊँ भी तो कुछ साल वहाँ सर्व करने के बाद मैं इंडिया में रिटर्न आऊँ, इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। वैसा स्कोप मेरे को नहीं दिखा, इसलिए फिर मैंने फाइनल ईयर में आके मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इंडिया में ही रहना है, इंडिया में रह के इंडिया के लोगों के लिए काम करना है। इसलिए मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का फिर उस समय पे निर्णय लिया, यूपीएससी की मैंने उस समय पे तैयारी चालू की, और उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी क्वालिफाई की और आईपीएस सर्विस ज्वाइन की। सर, शुरुआत में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते, जैसे कि आपने बताया था कि आपने लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो कौन से टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से या फिर न्यूज़पेपर से, कहाँ से शुरुआत? प्रिपरेशन तो प्रिलिमिनरी एग्जाम से एक साल पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा है। अगर आपका बेस बहुत ही कमजोर है तो आप एक साल पहले नहीं, आपको थोड़ा और समय पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, दो साल तीन साल पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्कूल का जो बेस है, आप हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट है, स्कूल में आपके मार्क्स अच्छे थे, तो आप एक साल पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और सर, जैसे कि आपने बताया आपका ग्रेजुएशन वाला जो ये था, तो कहीं ना कहीं पे इसका यूज़ आपका ये जो इनिशिएटिव चल रहे, तो इसमें भी हो रहा है? देखिए, आज का किस तरह से हो रहा है, देखिए आज का समय तो पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि आज के आने वाले 5 साल 10 साल में जो इन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता होगा उसका कोई भी यूज़ रह जाएगा इस दुनिया में, राइट? इसलिए मैं मानता हूँ कि जो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही मेरे काम में आता है सर्विस में, और साथ में जो मेरा लीगल बैकग्राउंड है जो मैंने LLB किया है वो भी मेरे सर्विस में काम में आता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी मैंने पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर सकूँ, और उसमें उन चीज़ों को कैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस पर मेरा ध्यान रहता है। सर, आपने कुछ किताबें भी लिखी है जो इंटरनल सिक्योरिटी और बाकी है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस कौन सी बुक्स हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। देखिए, ट्रेनिंग के टाइम से मेरी लिखने में बहुत दिलचस्पी है, और मैंने ये समझा है कि क्योंकि मैंने बहुत कम समय में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, राइट, तो उसके लिए बहुत सारे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरी मदद की, मेरे को मार्गदर्शन दिया, इसलिए मैं सही रास्ते पे चल के मैंने कम समय में क्वालिफाई करने में मेरे को मदद मिली। मेरी भी ऐसी इच्छा रही कि मैं भी आने वाले जो भी
एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं भी मदद करूं और वो भी कम समय में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो लोग सेलेक्ट हो जाए, इसके लिए फिर मैंने ट्रेनिंग के टाइम से ही लिखना चालू किया। सबसे पहले मेरी जो किताब थी इंटरनल सिक्योरिटी पे थी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि एक सब्जेक्ट है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 में। फिर मैंने एक किताब लिखी इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और साथ में ही अलग अलग प्रकार के जो 23 सिविल सर्विसेज हैं जो यूपीएससी के माध्यम से जिसमें भर्ती होती है उसके प्रोफाइल के बारे में लिखी। फिर जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम 1 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम 2 ये 2 किताबें मैंने लिखी हैं। इसमें जो मेरे इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज है उसको हमने मराठी में भी ट्रांसलेट किया। अच्छा। तो ये प्रकार की मैंने 5 किताबें अभी लिखी। तो सर ये जो अभी आपने बताया कि ये मराठी में भी ट्रांसलेट है, तो फिर अभी जो राज्यसभा वाला जो सिलेबस चेंज हो रहा है महाराष्ट्र का स्टेट पीसीएस वाला, तो उनके लिए तो फिर ये बेटर ऑप्शन हो जाएगा, काम में आ सकती है। तो वैसे तो वो यूपीएससी के बारे में, लेकिन क्योंकि एमपीएससी भी अभी यूपीएससी के पैटर्न में आ गया है तो वो उनके काम में आ सकती है। नहीं, आज का दिन हेक्टिक था क्योंकि अभी चुनाव आयोग की भी बैठक थी और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से कायदा व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी है तो उसी प्रकार से उसकी तैयारी पूर्व तैयारी चालू है, क्योंकि 21 तारीख कल से और परसों को सभी यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम होंगे, कई जगह पर मिरणुक है, कई जगह पर शोभा यात्रा है और आरती का लाइव प्रसारण वगैरह होगा। इसमें जो दूसरे समुदाय हैं वो समुदायों में क्या कहते हैं पीस बना रहे, शांति बनी रहे और उसमें इसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो उसके हिसाब से जगह जगह पर पुलिस बंदोबस्त रहेगा और उसकी पूर्व नियोजन करने की अभी तैयारी चालू है जी। और सर इसके अलावा कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का काफी एक्टिव रहना पड़ता है, तो ऐसे टाइमिंग में मतलब छुट्टी वगैरह या फिर कुछ किस तरह से इनका मतलब हेल्थ वगैरह का भी चीजें ध्यान में रख के उस हिसाब से ड्यूटी दी जाती है। पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी रहते हैं, तो अभी महाराष्ट्र पुलिस ने पुलिस कर्मचारियों में तो भी रोटेशन रखा है, 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी का रोटेशन रहता है। तभी जब 24 घंटे का बंदोबस्त रहता है, अगर बड़ा बंदोबस्त जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं तब तो एडिशनल ड्यूटी सबको करनी पड़ती है, लेकिन आमतौर पे हम लोग को ये कोशिश करते हैं कि ड्यूटीज का रोटेशन हो, वर्कलोड किसी पे ज्यादा नहीं है। लेकिन अधिकारियों को ऑफकोर्स क्योंकि कम होते हैं तो उसमें वर्कलोड बढ़ता है और ड्यूटी रोटेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन उसमें भी कोशिश रहती है कि ड्यूटी रोटेशन हम लोग करें। हालांकि मैं बात को मानता हूँ कि हमेशा ड्यूटी रोटेशन करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता वर्कलोड को समझते हुए, और खास करके जो लोग इंचार्ज रहते हैं, पुलिस स्टेशन इंचार्ज है या सब डिविजन के इंचार्ज हैं और जिले के इंचार्ज हैं जैसे मैं हूँ, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उसमें तो उनको ड्यूटी करनी ही करनी है। हाँ, बस ये है कि उनके पास मैन पावर है, ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी वो उनका मैनेजमेंट है कि कैसे वो अपने शेड्यूल को प्लान करते हैं। रिसेंटली आपने एक इनिशिएटिव किया था जिसमें मतलब त्योहार होने के बाद आप जो फैमिलीज है पुलिस फैमिलीज तो उनके लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम बाद में उसको सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ मिलके, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। उसमें हमारी सोच ऐसी है कि जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई या अम्बेडकर जयंती हो गई जी, और सभी प्रकार के जो त्योहार होते हैं इन सभी त्योहारों में पुलिस की ड्यूटी रहती है, एडिशनल ड्यूटी रहती है। अभी भी जो भी राम जन्मभूमि का त्योहार है एक तरीके से, उसमें सब हम लोग ड्यूटी करेंगे, कोई अपने घर पे जाके वो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। राइट। तो हमारा ये एक सोच रहती है कि जो समय में ड्यूटी नहीं हो, चाहे उससे पहले हो चाहे वो त्योहार के बाद में हो, अगर हम लोग उसमें सभी परिवारों को मिलके एक बार उसको एक कार्यक्रम रखें, कार्यक्रम रख के उसको सेलिब्रेट करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनको एक मन में एक बात रह जाती है कि त्योहार पे त्योहार निकलते जा रहे हैं और हम लोग उनको एक जो अपने ड्यूटी के तरफ से फ्रस्ट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और उनको ये लगता है कि नहीं, हम भी क्या कहते हैं सोसाइटी का पार्ट है,
और हम लोग भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बैलेंस बना के नहीं चलते और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, क्या कहते हैं, फैमिली पे ध्यान नहीं देते और कंटिन्यूअसली जो वर्क करते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने काम करना है फिर छोड़ देना है। तो बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग सब चीजों को साथ में लेते हुए चलेंगे। जब समय मिलेगा हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, जब समय मिलेगा फैमिली के साथ हम लोग इंटरेक्ट भी करेंगे, और जब ड्यूटी करना है तो समय हम लोग ड्यूटी भी पूरी मेहनत से करेंगे। तो सर जैसे कि आपका जो पोस्टिंग होता है सर्विस में, तो एक या दो साल का ही कार्यकाल होता है एक जगह पे ज्यादा, दो साल का रहता है। तो ऐसे इसमें मतलब कई बार ऐसा होता है कि जस्ट फैमिली वहाँ पे उस जगह से रिलेवेंट करना स्टार्ट कर देती है और फिर से नई जगह पे पोस्टिंग हो जाती है। नहीं वो तो देखिए कैसे होता है, मतलब फैमिली के साथ फिर कैसे एडजस्ट करते हैं वो लोग। नहीं देखिए अधिकारी जो रहते हैं उनकी पोस्टिंग तो वैसे 4 साल की रहती है जिले में, और कर्मचारी तो डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, उनकी तो पोस्टिंग चेंज नहीं होती, मतलब पोजीशन चेंज होती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट वही रहता है, तो उनकी फैमिली को कभी ज्यादा इतना शिफ्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा। और हम लोगों की पोस्टिंग जो रहती है वो 2 साल के जाया जाता 2-2.5 साल की ऐसे रहती है। तो अगर फैमिली में जैसे हमारी बात करते हैं तो अभी जब न्यूली मैरिड रहते हैं या तो फिर उस समय बच्चे छोटे रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्कूल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी इससे तेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैंने भी मैं कुल मिला के 16 शहरों में रहूँ। अच्छा। तो फैमिली का इतना प्रॉब्लम नहीं रहती, और एक हैबिट हो जाती है कि भाई हमको सेल्फ स्टडी करना है, कहीं भी स्कूल में जाए तो टीचर से कोई मतलब नहीं है, फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, तो फैमिली से ज़्यादा मतलब और बुक से ज़्यादा मतलब हो जाता है। जी। तो वैसे ही अभी जो और दूसरा जो हमारे जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको ये एक प्रॉब्लम एक करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है कि 4 साल बाद ट्रांसफर होता है, फिर नई जगह जाते हैं, नई जगह में फिर एडजस्ट होते हैं। तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एडजस्ट भी करते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं फैमिली को एक जगह सेटल कर देते हैं और खुद ड्यूटी पे जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फैमिली को साथ में लेके जाना चाहिए, हालांकि वो फैमिली को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। लेकिन जिसने भी एक पुलिस अधिकारी से शादी की है उसको पहले से पता है कि वो पुलिस अधिकारी से शादी कर रही है, तो प्रोज एंड कॉन्स उसको पता है, और ये उसने डिसीजन लिया है, तो डिसीजन लेने के बाद उसका जो भी उसका ऑक्यूपेशनल हजार्ड है वो उसको तो देखना ही पड़ेगा। ऐप वाला क्राइम, मतलब ऐप का जो फ्रॉड हुआ था उसमें काफी सारा विक्टिम्स को ये करवा के दिया था, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेन लोग होते हैं तो वो दूसरे स्टेट में होते हैं या फिर कहीं और पे होते हैं, अननोन जगह पे होते हैं कि जहाँ पे हम उतना जल्दी ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में मतलब कैसे हेल्प की जाती है और इसमें कैसे प्रोसीजर होती है? देखिए जैसे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, इनमें जब पब्लिक फंसती है तो लालच के कारण या थोड़ा सा ना समझ के कारण पैसे देते समय वो उसको वेरीफाई भी नहीं करते कि एक्चुअल में आदमी वो जो बता रहा है, जो नाम बता रहा है वही है क्या, कहाँ पर रहता है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ पे जाके एक बार हो आए, ये सब ना करते हुए वो लोग उसको पैसे दे देते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पैसे डबल हो जाएंगे या हमारा फायदा हो जाएगा। जी। बाद में जब कंप्लेंट करने आते हैं तो वो जब हमको जब कंप्लेंट देते हैं तो आदमी का सही नाम ना बताते हुए जो नाम उनको पता है वो बताते हैं, एड्रेस में वो आदमी वहां पे रहता नहीं है, ऑफिस एड्रेस गलत रहता है, ये सब चीजों के केसेस हमारे पास आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं उसके कॉल रिकॉर्ड से उसका एक्चुअल नाम मिल जाए, ऑल्टरनेट नंबर से मिल जाए, या फिर बैंक अकाउंट डिटेल से कहीं उसका एक्चुअल में नाम मिल जाए, या फिर अगर मान लीजिए कि उस प्रकार के केसेस उसने और भी जगह किए हैं और किसी और पुलिस ने उसको किसी न किसी तरीके से अगर पकड़ लिया है, तो अगर वो कहीं जेल में है तो उसको हम लोग पकड़ने की प्रयास करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस प्रकार के जो साइबर फ्रॉड्स रहते हैं उसमें डिटेक्शन रेट ऑल अक्रॉस इंडिया कम है, और उसके लिए हम लोग एट पार जाने के लिए अपने भी हम लोग स्किल्स बढ़ा रहे हैं, नए नए टूल्स एक्वायर कर रहे हैं। जैसे भंडारा जिला, मतलब एक मैं नहीं मानूंगा कि क्या कहते हैं सबसे आधुनिक पुलिस है भंडारा जिले की, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे कर्मचारी टैक्स सेवी बने, इसका प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे इकोनॉमिक फ्रॉड और साइबर फ्रॉड में वो लोग अंडरस्टैंडिंग बनाए उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मैं बोलूंगा जिस प्रकार का यहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस है भंडारा पुलिस उस हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, और काफी केसेस को वो डिटेक्ट करने का भी प्रयास कर रही है, और बहुत सारे लोगों के पैसे भी वापस करने का कोशिश कर रही है। इसमें हम लोग ये करते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग आरोपी को भले ही ना पकड़ पाए
लेकिन कैसे तो भी करके उसके पैसे रिटर्न आ जाए। तो पैसे रिटर्न आने के लिए हम लोग सबसे पहले इमीडिएटली, अगर सामने वाले जो आरोपी है उसने अगर पैसा विड्रॉ नहीं किया अपने अकाउंट से, वो उससे पहले हमारे पास में जानकारी आ जाती है, तो हम लोग बैंक की मदद से उसका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। और अकाउंट अगर फ्रीज हो गया तो पैसे पहले रिटर्न कर लेते हैं, तो उसका कम से कम जो फिरियादी रहता है उसका समाधान हो जाता है। हाँ। और उसके बाद अगर हमको पुरावे मिलते हैं जो मेन आरोपी का है, उसको हम लोग फिर पकड़ते भी हैं। तो सर मतलब जैसे ये पेमेंट रोकने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, मतलब समझ लीजिए आप मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैंने गलती से कर दिया ट्रांजेक्शन, हेल्पलाइन को अगर फोन करेंगे, डिटेल्स बताएंगे या नजदीक के पुलिस में डिटेल्स बताएंगे, तो इमीडिएटली साइबर पुलिस वाले उससे अकाउंट फ्रीज करवा देंगे। अच्छा, आरोपी का। और अगर आरोपी ने इतने समय में उसको समय नहीं मिला और उसने पैसे विड्रॉ नहीं किए हैं, तो फ्रीज होने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकता, फिर वो पैसे वापस उसके अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा। सर आजकल थोड़ा सा एआई वाला भी आ रहा है, मतलब बेनिफिट भी हो सकता है और थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, फ्रॉड्स भी बढ़ सकते हैं। एआई के फ्रॉड जो बढ़ रहा है, अभी जो रिसेंटली मेरे को 3-4 केसेस दिखे, लोग मेरे पास में आए, वो डीप फेक वीडियोस बना के उनसे सेक्सटॉर्शन के केसेस हो रहे हैं। तो उसमें कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एकदम से इसको व्हाट्सएप कॉलिंग आता है, वीडियो कॉलिंग आता है, तो वो आदमी जो है वो तो नॉर्मल अपना सामने से कोई कॉल किया है तो उस समय नॉर्मल उठाता है, तो उसका वो फेस कैप्चर कर लेता है, 4-5 सेकंड तक वो चलता है, और उस फेस एक्सप्रेशन और फेस के कैप्चर करके उसका डीप फेक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा। और फिर वो डीप फेक वीडियो बना के उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं। फिर उसके बाद उसको कोई तो भी फोन करता है कि हम CBI से बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं, और उसको ब्लैकमेल करता है कि भाई तुम्हारा केस हमारे पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, वो महिला हमको कंप्लेन कर रही है। और इस प्रकार से जो ये बहुत ही एडवांस लेवल के क्राइम्स अभी हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है ये चीजें, क्योंकि अगर मान लीजिए उसका डीप फेक वीडियो बन गया जी, जो कि मैंने 3-4 लोगों के देखे, तो वो काफी ज्यादा क्या कहते हैं रियल वीडियो लग रहे हैं, मतलब ऐसा। अच्छा। उसमें जो उनके मित्र रहेंगे, जो क्या कहते हैं उनके फैमिली मेंबर्स रहेंगे, अगर वो वीडियो वायरल हो जाता है वो ये सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, राइट, इसका ही वीडियो है और ये बहाना मार रहा है कि डीप फेक वीडियो है। हाँ। तो मतलब किसी की भी रेपुटेशन हर्ट हो सकती है, कोई भी मतलब उसमें परेशान हो सकता है, सुसाइड कर सकता है। और ये मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अननोन नंबर के वीडियो कॉल्स नहीं उठाएं, क्योंकि ये आपका वो फेस कैप्चर करेगा और वो सामने से सेक्स चैट हो रहा है करके ऐसा कुछ तो भी वो डीप फेक बना देगा आपका, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी और बाकी लोग जो हैं जिनको इतना नहीं समझता टेक्नोलॉजी, वो उसमें फंस सकते हैं और फंस रहे हैं, राइट। तो सर जैसे कि मतलब एक मैंने सुना था, अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कॉल आ गया, उसके बाद वो आपका वीडियो आपको बोल देंगे कि ये वीडियो है, हम बाकी दोस्तों लोगों को शेयर कर देंगे। हाँ, हाँ। तो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन उसके बाद उनका ही कोई बंदा आपको पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से, ट्रू कॉलर पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे नाम लिखा है तो हो भी सकता है। तो ऐसे कई सारे ऐप है कि जहाँ पे आपका नाम दिखाता है, अब वहाँ पे हम खुद से भी नाम डाल सकते हैं, वो दिल्ली पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस दिखा देंगे वहाँ पे। अब वो कॉल करके फिर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है और ऐसा ऐसा है और आपको आना पड़ेगा। तो वही पे आधी हिम्मत टूट जाती है आगे वाले की। और एक तो केस ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में हम किसी को बोल नहीं सकते कि मेरे साथ ये हुआ है। और ज्यादातर अगर समझ लीजिए अगर कोई बुजुर्ग है जो नए नए मोबाइल चलाने वाले हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता है। और इस उम्र में उनको ये होता है कि रेपुटेशन का भी ये होता है, ख्याल रखना होता है कि यार अगर हम ये चीज बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो उसके चक्कर में कभी कभी पेमेंट भी करवा दिया जाता है, और उसके बाद फिर उनका कोई मतलब एक और कॉल आ जाएगा कि मैं वकील बात कर रहा हूँ, आपका केस हम वापिस करवा देंगे बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर वो पूछेंगे कि आपके अकाउंट में कितना है, उतना पैसा आपसे ले लेंगे। और उसके बाद फिर से आपको जब तक पेमेंट आपका खत्म नहीं होता है तब तक आपको ब्लैकमेल करते ही रहेंगे। तो सर ऐसे केसेस में हम मतलब जो विक्टिम होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा रेपुटेशन खराब ना हो, तो ऐसे केसेस में हम आइडेंटिटी उनकी कहीं पे लीक ना हो और उनका पैसा मतलब वो सेफ भी हो जाए, उनको कोई दिक्कत भी ना आए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं। ये देखिए विक्टिम की आइडेंटिटी हम लोग तो सीक्रेट ही रखते हैं। हाँ। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से या साइबर पुलिस से लीक नहीं होता कभी। हाँ। लेकिन क्या है कि वो जो आरोपी है जो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सिस्टम इतना सिंपल नहीं है मैं बोलूंगा। हाँ। अब वीडियो बन गया है राइट,
तो अब इसमें ये हम मदद कर सकते हैं कि अगर वो YouTube पे डाल रहा है या किसी पोर्टल पे डाल रहा है तो उसको हम डिलीट कर देंगे, इमीडिएटली कर देंगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में जा रहा है और कॉन्टेक्ट में जा जाके उनको डीएम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा, वायरल हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि मान लो वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसका आपका नंबर उसके पास में आ गया है, तो आपके दोस्तों का शायद उस नंबर उसके पास में नहीं है, तो वायरल नहीं कर पाएगा आपके दोस्तों को जो वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए सर कहीं ना कहीं हमारे ऐप्स भी तो ये है ना कि हम बिना कुछ पढ़े सीधा उसको पूरा एक्सेस दे देते हैं। हाँ, तो वो उनके पास वो ऐप नहीं है ना, वो तो ऐप के पास जाएगा ना। हाँ, आपका नंबर नहीं है, नंबर नहीं है करके ये आपको मतलब सोशल मीडिया पे ही देखेगा, तो ये आपको ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, अपना सबसे पहले अपना लिस्ट को लॉक कर दे, अकाउंट प्राइवेट कर दे, तो आपके फ्रेंड्स को वो मैसेज नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, कौन आपको फॉलो कर रहा है और जो भी चीजें हैं वो नहीं देख पाएगा, तो फिर वो जो ब्लैकमेल कर रहा होता है कोई मतलब नहीं रह जाता। व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टेक्ट उसके पास में नहीं है क्योंकि वो आ नहीं सकते हैं इतनी आसानी से, वो ब्लैकमेलिंग का कोई मतलब नहीं है। रही बात यदि ओपन प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड कर दे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके वीडियोज डाल दे, तो पहली बार आपके वीडियोज वहां पे देख कौन रहा है, और वो वीडियो अगर आप हमें कंप्लेन करेंगे तो हम लोग या फिर जो भी आपके नजदीक का साइबर पुलिस स्टेशन है वो उसको डिलीट कर देगा। और सर अभी मतलब यूट्यूब भी काफी एडवांस है इस बात में कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो कि जिसमें थोड़ा सा सेंसिटिव वाला का कंटेंट रहेगा तो वो खुद ही उस वीडियो को हटा देगा, यूट्यूब भी हटा देगा। हाँ, तो मतलब आपको वो तो डरने का उतना जरूरत भी नहीं, जरूरत नहीं है। और रही पुलिस की बात, तो पुलिस तो आपके सपोर्ट में होती है होते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड वाला भी होता है कि जैसे मुझे मतलब पेमेंट की जरूरत है तो मैं प्ले स्टोर पे गया या फिर क्रोम पे गया, कुछ ऐप्स सर्च कर लिए, अब वहाँ पे बिना देखे मैंने, बिना वेरीफाई किए या फिर उनके रिव्यू वगैरह न करते हुए, जैसे प्ले स्टोर पे रिव्यू होते हैं कि इनका ऐप सच में सही है या फिर फ्रॉड है, तो ऐसे कैसे इसमें लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इन ऐप के इसमें आपका क्या ये है कि जो मतलब फ्रॉड होते हैं कि आपको 5,000 डाल देंगे, देन उसके बाद दूसरे दिन से आपको पेमेंट के लिए ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ आपके नंबर हमारे पास है, आपके फोटोज हमारे पास है। अच्छा वैसा। हाँ तो वो तो पहली बात तो ऐसे ऐप्स के लिए वो पहले ही वार्निंग दे देता है। हाँ, प्ले स्टोर वार्निंग दे देता है आपको। बहुत सारे ऐसे ऐप रहते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं रहते, आप लोग उसको गूगल पे डाल के डाउनलोड करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर प्ले स्टोर पर नहीं रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा भंडारा में जो बोरा ऐप का केस हुआ था, बहुत ही विचित्र बात है कि बोरा ऐप बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, बोरा ऐप में पैसे लगाए, लेकिन बोरा ऐप प्ले स्टोर पे नहीं था, लिंक भेज भेज के लोगों ने डाउनलोड किया। इस तरीके से अपन ने अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्ले स्टोर ने अगर उसको लिस्ट नहीं किया या ऐप स्टोर ने लिस्ट नहीं किया है तो ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, और दूसरी बात मान लो प्ले स्टोर पे लिंक्ड भी है और आपके सारे कॉन्टेक्ट उसके पास में चले गए, या आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सेस टू ऑल द कॉन्टेक्ट और एक्सेस टू ऑल द फोटोग्राफ, तो अगर उसके पास चले गए तो अगर वो ब्लैकमेल कर रहा है तो आप उसके ब्लैकमेल में ना फंसे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो वो उसको क्या शेयर करेगा। और अगर आप ब्लैकमेल में फंसेंगे, उसको कुछ पैसे देंगे, तो उसकी कोई एंड नहीं है, लिमिट नहीं है। वो आपसे मांगता रहेगा जब तक आपको अल्टीमेटली 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद मदद मांगने आना ही पड़ेगा। तो वो उसमें ना फंसते हुए पहले दिन ही आ जाए। और कहना चाहूंगा बट उसमें कुछ ऐप है तो उसमें क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए अब कोई नई मूवी आई है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो आपको लिंक दे देंगे, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो एंड देन उसके बाद वहां पे लिंक पे क्लिक करके देन वो ओपन हो जाए। मांगते हैं जैसे आपका मोबाइल नंबर मांग लेंगे, गैलरी वगैरह का एक्सेस ले लेंगे, और उसमें आपको बना मतलब बिना बताए वो ऑटोमेटिक वीडियोस और वो सारी चीजें अपलोड करवा देंगे। हम उतना ध्यान नहीं देते, अब जब तक आपकी 3 घंटे की मूवी खत्म होगी तब तक आपके आधे से ज्यादा फोटोज और वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, और फिर वो चीजें वहां से उसी ऐप पे फिर आपकी वायरल हो जाएगी फिर या फिर कहीं और पे वायरल हो जाएगी। तो ऐसे कैसे मतलब क्या होता है कि या फिर इसमें सेफ्टी कैसे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कई नहीं, बार देखिए अब ये फॉरेन ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं अगर तो ये मान के चलिए कि फिर आप उसमें ट्रबल में फंस सकते हैं। हाँ, क्योंकि फॉरेन ऐप्स है, कौन सी कंट्री में बने हैं उसको ट्रेस करना कितना डिफिकल्ट है या इजी है, तो इसमें तो प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा तरीका है, अवेयरनेस और प्रिवेंशन। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसे ऐप डाउनलोड करके उसमें टाइम पास तो नहीं करेगा। हाँ, ये आप लोग अगर गलत चीज करने जा रहे हैं, ये चीजें ऐप मिलते कहाँ हैं जब आप पायरेटेड मूवी सर्च करते हैं। हाँ,
पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए सर्च करते हैं तो वो बेसिकली बैंड है, पायरेटेड म्यूजिक के लिए सर्च करते हैं, MP3 डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे, तो ये सब चीजें आपको वहां पर आके आपकी फंसेंगी। यहाँ पे आप डार्क वेब में जाएंगे, डार्क वेब में जाएंगे, डीप वेब में जाएंगे, तो वहां पे इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स और आपको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास होगा। तो आपने ये समझ में आता है कि भाई आप ही कुछ गलत कर रहे हैं तो आप फंस जा रहे हैं, तो इस चीजों को आपने अवॉइड करना चाहिए और ऑथेंटिक चीजों को आपने एक्सेस करना चाहिए। अब आप मान लीजिए कोई अननोन सा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, कोई बुक्स का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, कोई मूवीज का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर इसको आपने अवॉइड करना चाहिए। और अल्टीमेटली आपका उधर से वायरस आएंगे, सभी प्रकार के ट्रोजन्स आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे, आपके मोबाइल की सिक्योरिटी आपने कुछ उसमें फायरबॉल डाला है कि नहीं डाला है, कोई उसमें एंटीवायरस है कि नहीं है, उसके बाद भी अगर आप ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपकी फाइल्स जो है ट्रांसफर हो जाएंगी, फोटोज ट्रांसफर हो जाएंगी, और खास करके एंड्रॉयड मोबाइल में ये चीजें सिक्योरिटी फीचर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं तो आपका पूरा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और अगर आपकी उसमें अगर प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं, प्राइवेट वीडियोज हैं, तो फिर आप ट्रबल में फंस सकते हैं, तो थोड़ा आपने ध्यान देना चाहिए। एंड व्हाट डू थिंक अबाउट माफियाज? माफिया तो रिसाइडिविस्ट हो गए। माफिया बेसिकली वो लोग होते हैं जो जिनका बिजनेस क्राइम के ऊपर चल रहा है, जैसे एक्सटॉर्शन करके क्राइम कर रहे हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, तो उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका यही है, जैसे कि कंपनी उन्होंने बना ली पूरी, कंपनी में कोई बॉस है, बॉस के उन्होंने लोगों को रिक्रूट किया है, रिक्रूट करने के बाद वो किडनैपिंग करेंगे, किडनैपिंग करके एक्सटॉर्शन करेंगे, रैंसम मांगेंगे, फिर कुछ इलीगल एक्टिविटी करेंगे, इलीगल एक्टिविटी के थ्रू वो लोग पैसे कमाएंगे, तो उनका बेसिकली एक सिंडिकेट है। और सिंडिकेट का काम ही यही है कि ये करना। ऐसे में जो लोग होते हैं वो बेसिकली जो बॉस है वो तो रिसाइडिविस्ट ही है, लेकिन कभी कभी जिसको उसने चुना है वो रिफॉर्म हो सकते हैं जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं।
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. सर, हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अराउंड 600 के सब्सक्राइबर्स हैं जी। और सभी क्या कहते हैं यूपीएससी एमपीएससी स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आज के टाइम में सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, नॉलेज का ओवरफ्लो है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, और ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग जो जेन्युइन किताब से हैं, जेन्युइन बुक्स हैं, उससे आप लोग पढ़ें, जेन्युइन न्यूज़पेपर से आप लोग पढ़ें। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपकी बुक लिस्ट आप लोग फाइनल कीजिए, न्यूज़पेपर कौन सा आपको पढ़ना है ये फाइनल कीजिए, और आपके ही बनाए हुए नोट्स जो आप बनाते हैं उसी पे आप लोग रिलाई करें, क्योंकि आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को ब्राउज करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें ही खो जाएंगे और आपकी तैयारी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग फाइनल कर लीजिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, फाइनल कर लीजिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागिए। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को आप ग्रैस्प कीजिए, क्योंकि आपके माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रैस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। साथ में ही लास्ट 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर्स आप लोग सॉल्व कर लीजिए। साथ में ही हर 15 दिन में कोशिश कीजिए एक एसे लिखने की। और दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे, इनको आप लोग जरूर पढ़िए।